हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोनभद्र: मनभड़ों ने लाठी डंडे से अधेड़ पर हमला कर दिया। घटना रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव और बीती रात की है। जिला अस्पताल और घायल भुवनेश्वर का उपचार हुआ। सोमवार को घायल की तहरीर पर पुलिस ने 5 के खिलाफ मानव वध के प्रयास समेत अन्य धाराओं और मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार की समय रात खेत और पानी ले जाने को लेकर दो पक्षों और विवाद हो गया। मनभड़ों ने लाठी डंडे से भुवनेश्वर को पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह पहुंच गए, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी भाग निकले। रात और ही पुलिस घायल को जिला अस्पताल ले गई। यहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देख घायल को भर्ती कर लिया। सोमवार की दोपहर बाद थाने जाकर घायल ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने बताया कि घायल की तहरीर पर उसी के गांव के सुरेंद्र, जयसाखन, सुरेश, रमेश और सरोज के खिलाफ मानव वध का प्रयास, बलवा समेत अन्य धाराओं और मुकदमा कायम किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घरों पर छापेमारी की, लेकिन एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस का कहना है कि अविलंब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।